जो स्टूडेंट मास्टर पे आते हैं उनका एक साल का कोर्स होता है यूके में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कि वो यूके से किसी और कंट्री, क्या बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी इतना इजी होता है जितना मास्टर्स पे जा रहे हैं स्टूडेंट? अगर हस्बैंड को अकेले अपना वीज़ा लगाना तो उसका इजीली ज़्यादा लगेगा, या फिर अपनी वाइफ का अगर सिंगल का वीज़ा लगाना तो ज़्यादा इजीली लगेगा क्योंकि उनको पता है कि अगर ये इस कंट्री में जा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो मैं सीधा करता हूँ वीडियो पर बात। ये वीडियो होने वाली है कि यार देखो, जब भी बच्चा किसी भी कंट्री में जाता है, अगर आप यूके में आ रहे हो, कनाडा में जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, तो आपका एक मोटिव होता है, आप एक गोल लेके जाते हो, ठीक है? आपका एक लक्ष्य होता है कि मैं इन फ्यूचर ये करूँगा, मतलब आपके एक मोटिव्स होते हैं, आप उस एम पे चलते हो, उसके अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है? आपका एक एम होता है, आप उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें करते हो, ठीक है? जब भी बच्चा यूके में आता है तो क्या करता है यार, उसका सबसे पहले एम बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मैं यूके से मूव करना है मेरे को, ठीक है? मेरे को यूके से यूएस जाना है, मेरे को यूके से कनाडा जाना है, मेरे को यूके से ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो बस ये सारी चीज़ें क्या, जब भी आप सोचते हो, क्या आप इन चीज़ों में ज़्यादा गौर करके सोचते हो, क्या इन फ्यूचर जब आप यूके में जाओगे तो क्या ये चीज़ें करना इतना ज़्यादा पॉसिबल होता है जब यूके में जाते हैं? तो बस ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, क्या इतना इजी है कि अगर आप यूके में हो तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, कनाडा चले जाओगे, यूएस में इतना ज़्यादा इजी रहता है क्या प्रोसेस? तो क्या ये सब सिचुएशन इतनी ज़्यादा इजीली बन पाती है बाद में? तो बस इसी टॉपिक पर बात होने वाली है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करूँ जो स्टूडेंट्स मास्टर पे आते हैं सीधा, ठीक है? जो स्टूडेंट मास्टर पे आते हैं उनका एक साल का कोर्स होता है यूके में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कि वो यूके से किसी और कंट्री में मूव कर जाएं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, अपना एक साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं। अगर आप अपनी एक साल की फ़ीस भर के आओगे तो आपका कोर्स इजीली कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल असाइनमेंट्स होती हैं तो बस असाइनमेंट्स के थ्रू आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, आपके पास डिग्री आ जाएगी मास्टर्स की, तो आप उस मास्टर्स की डिग्री से किसी भी कंट्री में मूव इजीली से हो सकते हो, बिल्कुल ईजी, 100% वीज़ा आएगा। आप बात कर रहा था जो बच्चे भी मास्टर्स पे आते हैं, मास्टर्स पे अगर आप मास्टर्स कंप्लीट करके अगर आप इंडिया चले जाते हो, इंडिया से प्रोसेस स्टार्ट करवाते हो, तो आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा क्योंकि उनको ये गैस हो जाता है कि भाई इसके पास यूके की डिग्री है मास्टर्स की, तो आपके मतलब अगर आप पीएचडी करने या फिर किसी भी कोर्स के रिलेटेड अगर आप इन फ्यूचर जाते हो तो आपके लिए ईजिली आपका वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मतलब यूएस तक का वीज़ा आपका ईजिली लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनको पता है भाई उधर पढ़ा हुआ है तो इसको इंग्लिश तो आती होगी, ठीक है? तो आपको इतने ज़्यादा कोई टेस्ट देने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपका इंटरव्यू भी नॉर्मल होगा, बस वो आपके डिग्री के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे मैक्सिमम, तो बस आपका इजीली वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो। अगर आप मास्टर्स डिग्री पे आ रहे हो, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो ईजिली। तो अब मैं बात करूँ कि जो भी मतलब डिपेंडेंट आते हैं, अपनी वाइफ के साथ आते हैं, अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, क्या उनके लिए भी ये चीज़ करना इतना ही पॉसिबल होता है जितना मास्टर्स डिग्री पे होता है? उनके लिए भी भाई वीज़ा इजीली लग जाता है क्योंकि जो भी डिपेंडेंट होता है उसको फुल टाइम वर्क अलो होता है यहाँ पे, वो फुल टाइम काम करता है और उसके पास सैलरी स्लिप्स होती हैं, ठीक है? अपनी उसकी वाइफ भी काम करती है, उसकी वाइफ स्टडी करती है, उसकी वाइफ की भी स्टडी एक साल की होती है, ठीक है? तो उसकी वाइफ और अपने हस्बैंड का वीज़ा भी वो विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा इजीली से लगा सकते हैं, उनका वीज़ा भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लगने का जितना मास्टर्स पे है, उससे थोड़ा सा कम होता है, बट उनका वीज़ा भी इजीली लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। भाई ये तो लक पे डिपेंड करता है, ठीक है? कोई भी वीज़ा लगने के कोई चांसेस नहीं होते, परसेंटेज नहीं होती, ठीक है, किसी भी चीज़ की कि मेरा वीज़ा, बहुत सारे एजेंट क्या बोलते हैं, इसका वीज़ा 90% आ जाएगा, इसका वीज़ा 80% आ जाएगा। भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई रूल में लिखा होगा कि इस बच्चे के इतने परसेंट होते हैं वीज़ा आने के। बहुत सारे लोग बोलते हैं 100% वीज़ा आ जाएगा, भाई 100% वीज़ा परसेंटेज को नहीं होती वीज़ा आने की, सारा लक पे होता है भाई, ठीक है? लक पे होता है और उसकी जो फाइलिंग होती है उस चीज़ पे होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका इतने परसेंट वीज़ा आएगा, इतने परसेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है ना कि आपका वीज़ा 100% आएगा, तो समझ लो वो आपको पागल बना रहा है, ठीक है? परसेंटेज कुछ नहीं होती वीज़ा आने की, ठीक है? आपकी फाइलिंग पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग फाइल है उस चीज़ पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो जो मास्टर्स पे हैं उनके लिए भी इजीली मूव करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है? फर्स्टली आप क्या कर सकते हो कि आप अपना शेंगेन वीज़ा लगा सकते हो, यहाँ से आपका शेंगेन वीज़ा इजीली लग जाएगा। आप ट्रैवल करो, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ हस्बैंड अपना ट्रैवल करो, ठीक है, 2-3 कंट्री में जाओ, देन आप अपना ट्रैवल प्लान बना के उस कंट्री का ट्राई करो कि हाँ, अगर आपका अपना बेबी है तो ऐसा, मतलब अगर हस्बैंड को अकेले अपना वीज़ा लगाना तो उसका इजीली ज़्यादा लगेगा, या फिर अपनी वाइफ का अगर सिंगल का वीज़ा लगाना तो ज़्यादा इजीली लगेगा क्योंकि उनको पता है कि अगर ये इस कंट्री में जा रहा है, अगर वो इन फ्यूचर कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो ये वापस तो आएगा, है ना? अब ये शो करवा सकते हो कि मेरी वाइफ अभी यूके में है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ वापस तो आऊँगा ही आऊँगा ना, तो बस आप ये सब चीज़ें शो करवा सकते हो कि मैं अकेला ट्रैवल करूँगा। देन इन फ्यूचर अगर आप अपनी वहाँ पे केस कोई डलवा लेते हो, लगा लो कि आप अपना वर्क परमिट का करवा लेते हो, या फिर 100 चीज़ें होती हैं, है ना, वो उधर जाके सोलिसिटर के साथ बात करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, देन आप इन फ्यूचर ट्राई कर सकते हो कि वहाँ पे शिफ्ट होने का, वहाँ पे मूव होने का, ठीक है?
फ्रेंड्स मैं आपको यार एक चीज़ बताता हूँ। देखो यार मैं जो भी इस वीडियो में बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे को जितनी नॉलेज होती है मैं वो सारी ट्राई करता हूँ कि मैं वो सारी अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू आपको दूँ, ठीक है। तो मैं थर्ड बात कर दूँ कि यार क्या बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी इतना ईजी होता है जितना मास्टर्स पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स मास्टर्स पे आ रहे हैं या फिर जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, क्या बैचलर्स वालों के लिए भी इतना ईजी होता है कि मूव वो ईजिली कर सकते हैं, US जा सकते हैं, कैनेडा जा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ भाई उनके लिए भी इतना ईजी होता है, बट आफ्टर सम गैप। अगर आपकी 3 साल की डिग्री है ना तो भाई आप ट्राई करो कि फर्स्टली आप अपनी 2 साल की डिग्री कंप्लीट कर लो यहाँ पे। 2 साल तो ट्राई, 2 साल नहीं तो 1.5 ईयर तो ट्राई कर लो कि मैं 1.5 ईयर यहाँ पे स्टे कर लूँ, देन आप अप्लाई करो। देन आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कैनेडा का वीज़ा आ जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाएगा। क्योंकि यार क्या होता है कि उनको पता है बैचलर्स पे अभी नया नया बच्चा है, ठीक है, उसको पता अभी 18-20 ईयर्स एज होती है बंदे की, है ना। तो वो क्या करते हैं कि एज के हिसाब से भी वीज़ा देती है बहुत सारी कंट्रीज़, ठीक है। कि थोड़ा अगर आप नोटिस करोगे कि ओल्ड बंदे को उसकी अगर एज 40 होगी ना तो उसका वीज़ा ईजिली आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर किसी बच्चे की एज 24 होगी 25 होगी एज़ कम्पेयर टू उसके। क्योंकि उनको पता है भाई इधर स्टे नहीं करेगा, इधर काम नहीं करेगा, इसकी 40 साल एज हो गई है तो वो क्या ही काम कर लेगा इधर, है ना, किसी भी क्या ही काम कर लेगा। मतलब उनके दिमाग में ऐसी मेंटेलिटी रहती है। बहुत सारे जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा उनकी ये सारी मेंटेलिटी थोड़ी हो रहती है, थोड़ी सी ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है। तो क्योंकि उनको पता है ये लड़का है थोड़ा जवान है, ठीक है, ये इधर काम करने की कोशिश करेगा, इधर स्टे करने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से सुलिस्टर के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से अपनी फाइलिंग करेगा, अपना वीज़ा स्विच करवा लेगा, ऐसा वैसा करेगा। मैं ये बता रहा था कि थोड़ी मेंटेलिटी उनकी ऐसी रहती है। तो क्या होता है कि जब आपकी 1.5 ईयर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जब इस कंट्री के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी देन आप ट्राई करो कि आप अपना वीज़ा लगवाओ। क्योंकि यार क्या होता है आप सबसे पहले क्या करो कि अपना शंगन वीज़ा लगाओ, यूरोप में ट्रैवल करो, ठीक है। एक दो बार अभी कर लिया, एक दो तीन मंथ का गैप डाल के फिर कर लिया, जब आपको हॉलीडेज़ पड़ती हैं आप थोड़ा घूमो फिरो, ठीक है, आपकी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अपने टिकट्स पहले अपना प्लान कर लो कि मैं इस मंथ जाऊँगा तो आपकी टिकट और होटल बुकिंग बिल्कुल ईजिली हो जाती है आसानी से। 200-300 pounds में आपका मैनेज हो जाएगा जाना आने जाने का, मतलब 200-300 pounds में आपका बजट होगा तो इतने में आप ट्रैवल कर लोगे, ठीक है। दो तीन महीने मंथ का गैप डाल के आप ट्रैवल करो, ठीक है, शंगन कंट्री में। अगर आप किसी कंट्री का वीज़ा आ रहा है पहले उधर ट्रैवल कर लो, देन आप किसी भी कंट्री में यूरोप में किसी भी कंट्री में जा सकते हो, आपका वीज़ा भी इजीली लग जाएगा। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो गया फिर भी आपका वीज़ा नेक्स्ट टाइम इजीली लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या पता आपका भी 3 मंथ का लगा हो, क्या पता बाद में कितने ईयर्स का लग जाए, अच्छे मतलब ज़्यादा ईयर्स का लग जाए, 5 साल का लग जाए, कोई पता नहीं होता है ना। उन पर डिपेंड करते कि आपको वो कितने साल का वीज़ा देंगे बाद में। अगर आपका 5-6 साल का इधर यूरोप का वीज़ा लग गया तो फिर भाई क्या ही करना है ना, फिर तो यूरोप में भी कहीं पर चले जाओ, कितने भी साल में इंडिया चले जाओ, इंडिया से यूरोप में चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के स्टेप लो जब भी आप किसी भी कंट्री का लगा रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं मेनली यही बताया कि यार क्या होता है कि मास्टर्स डिग्री पे जो बच्चे आ रहे हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके वो इजीली ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके जाने के, मूव होने के UK से। जो डिपेंडेंट होते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, वो अपना 1 साल में इन फ्यूचर अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लें। मतलब अगर आप डिग्री भी उसकी कंप्लीट नहीं हुई है फिर भी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो। बट यार मेन चीज़ होती है बैचलर्स पे जो स्टूडेंट्स होते हैं यार उनका थोड़ा पंगा पड़ता है, ठीक है। 3 साल की डिग्री होती है, इतनी ज़्यादा फीस होती है, 50 लाख फीस होती है, इतनी ज़्यादा मैनेज करनी होती है। तो वो थोड़ा सोच के, ठीक है, इतना जल्दी भी स्टेप मत लो, इतना लेट भी मत लो, थोड़ा मिडल में जाके अपना मतलब जब आपका 1.5 ईयर हो जाए UK में देन आप अपनी फाइलिंग स्टार्ट करो। क्योंकि फिर फीस पे करके सारी देन अपनी फी उस पर शो करवाओ, रिसिप्ट शो करवाओ कि मैंने यार अपनी पूरी फीस पे की हुई है, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें थोड़ा ट्रैवल प्लान अपना यूरोप का बनाए रखो, थोड़ा यूरोप में ट्रैवल करो। तो बस ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपको ज़रूर वीज़ा आएगा यार किसी कंट्री का। उसके लिए पहले ही बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। तो बस ये थी वीडियो, मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़रूर कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देन उनको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो कोई भी चीज़ पूछनी होगी भाई इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी होगी वहाँ पे पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बस ये थी वीडियो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।